दोस्तों, अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड से इनकम करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड से उस क्रेडिट कार्ड का जितना लिमिट है आप उसका रोजाना 1.5 से 2% कमा सकते हैं, और वो भी बिना किसी रिस्क के। दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड से डेली इनकम करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, और साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे निकालें, वो भी फ्री में ही नहीं बल्कि कैश बैक के साथ। दोस्तों, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वरना आप भी कोई ना कोई स्टेप मिस कर जाएंगे और आप गलती कर देंगे जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड से संबंधित सारे ट्रिक और अपडेट हमेशा आपको बताते रहूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज्यादा रिस्क है और कुछ रिस्क फ्री है। दोस्तों, आज मैं ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, जहां सबसे ज्यादा रिस्क है वहां सबसे ज्यादा पैसा भी है। दोस्तों, आप थोड़ी बहुत रिस्क लेके बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो ये बात आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिसमें रिस्क है लेकिन रिवार्ड बहुत ही ज्यादा है, और बाद में मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे अपने क्रेडिट कार्ड से जितना का लिमिट है उसका रोजाना 1.5 से 2% कमा सकते हैं। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, वो भी बिना किसी रिस्क के। बस आपको उसमें थोड़ा बहुत काम करना होगा, मात्र 10 से 15 मिनट, जिससे आप रोजाना अपने लिमिट का 1.5 से 2% कमा सकते हैं। दोस्तों, नंबर एक पर आता है क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मान लीजिए आपके फैमिली का मंथली खर्चा 20,000 रुपया है, तो आपको ये सारी खरीदारी एक ही जगह करना है और एक साथ करना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो खरीदारी वहाँ करना है जहाँ कार्ड स्वीप करने का सुविधा हो। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, सभी जगह फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या सब QR कोड है, लेकिन आपको वहाँ शॉपिंग नहीं करना है। आपको वहाँ शॉपिंग करना है जहाँ पर कार्ड स्वीप करने का फैसिलिटी मिलता हो। और ये भी बात का ध्यान रखें कि खरीदारी उस समय करें जब आपका बिलिंग साइकिल शुरू होने वाला है, यानी आपका बिल जनरेट हो चुका है उसके 1-2 दिन बाद या उसी दिन करें, तब आपके पास उस 20,000 रुपया कैश पूरे 40 से 50 दिन आपको रहेगा। उससे आप बहुत अच्छे से 10 से 15% कमा सकते हैं। और दोस्तों, मेरे पास एक्सिस बैंक का ACE क्रेडिट कार्ड है, जो सभी ऑफलाइन खरीदारी पर भी मुझे 2% का कैशबैक मिलता है। तो दोस्तों, बहुत इमेजिंग यह क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है आप लोगों को मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ और कुछ है। दोस्तों, अब आपके पास 20,000 का कैश है। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, उस 20,000 के कैश को आपको स्मार्ट तरीके से किसी स्टॉक को खरीदना है। स्टॉक दोस्तों हमेशा 3 या 4 सप्ताह में आपको 10 से 15% रिटर्न आसानी से दे सकता है। फ्रेंड्स, कौन सा स्टॉक बाय करना है आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, सिंपली क्या करना है कि आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है हॉट स्टॉक। हॉट स्टॉक जब आप सर्च करेंगे तो मनी कंट्रोल का एक वेबसाइट आएगा, जहां से आपको इस पर क्लिक करना है और 4-5 दिन पहले से जो स्टॉक का लिस्ट बताया गया है और उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा किस स्टॉक को बाय करने की सलाह दी जा रही है, आप उसे बाय करें। और ध्यान रहे, आपको इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। आप थोड़ा सा रिस्क लेके आप अपने पैसे से 10 से 15% बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ और अपने थोड़े से भी पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करके बहुत बढ़िया कमा लेता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, नंबर दो पर आता है इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, क्या करना है कि जब भी आपसे कोई इंटरेस्ट पर रुपया मांगता है तो सिंपली रेंट पेमेंट या एजुकेशन फीस करके आपको कैश निकाल लेना है। इसमें भी क्या होता है कि आपको 1.5% का चार्ज लगेगा, लेकिन फ्रेंड मेरे पास तो ACE क्रेडिट कार्ड है, उससे जब मैं पैसा निकालता हूँ तो मुझे तो 2% कैशबैक मिल ही जाते हैं, और उसका 1.5% देने के बाद भी मुझे 0.5% कैशबैक बच ही जाता है, जो कि कोई रिस्क नहीं है। अगर मैं पैसा डालते और निकालते भी रहूँ तो मुझे 0.5% का इंटरेस्ट रेट हमेशा मिलते रहेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता है। ना बढ़िया बात। दोस्तों, अगर आप लोग भी ACE क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं
तो जरूर ले लीजिए। यह क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही ज्यादा कैशबैक देता है। रेंट पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, उसको सिंपली दे देना है और एक महीने डेढ़ महीने के बाद जब भी आपको पैसा रिटर्न करता है आपको क्रेडिट कार्ड में जमा कर देना है। इसे आपको 2.5 से 3% या 5-10% भी मिल जाता है। दोस्तों अगर कोई मुसीबत में फंसा हो तो उसे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए, वरना कोई शौक से मांगता है तो उससे तो इंटरेस्ट बनता है। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, उसे रेंट पेमेंट करने से आपको 1.5% का जो चार्ज लगता है उतना तो कैशबैक मिल ही जाता है, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब नंबर 3 पर आता है मेरा अपना ट्रिक, जो मैं हमेशा अपना के रोज अपने लिमिट का 2% कमा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास है एक्सिस बैंक का SE क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त है जो मॉल में बिल बनाता है और लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड उसी को दे दिया हूँ। वो क्या करता है कि जब भी उसके पास ज्यादा का बिल बनता है, जैसे 10,000, 20,000 या ज्यादा का बनता है, तो वह पेमेंट क्या करता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड से कर देता है और उससे पैसा कलेक्ट कर लेता है। इससे मुझे 2% का कैशबैक तो तुरंत मिल गया और वो पैसा जब मुझे मिल जाता है तो उसी पैसे को मैं उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देता हूँ। यह साइकिल मेरा बना रहता है, मैं और मेरे फ्रेंड मिलकर बहुत ही मजे करते हैं और बहुत आसानी से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। दोस्तों मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1,50,000 रुपया है, उसमें 1,00,000 का अगर डेली ही सर्किल होता है तो 2% यानी 2,000 की बचत तो मेरी डेली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आपका भी कोई दोस्त मॉल में या कोई ऐसा दुकान जिसमें स्वीप मशीन की सुविधा हो उससे मिल के अगर ये काम करें तो बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों ये फैसिलिटी सारे क्रेडिट कार्ड पर नहीं रहता है, जैसे मेरे पास SE क्रेडिट कार्ड है उस पर 2% मिलता है, मेरे पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ड है जिस पर मुझे 1.5% का कैशबैक मिलता है, और मुझे ICICI बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है उस पर भी 1% का कैशबैक मिलता है। मुझे ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड मुझे तो डेली कमा के देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग का भी कोई फ्रेंड अगर नहीं है मॉल में तो आपको एक और सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपको मॉल में जाना है, वहाँ पर अगर कोई आदमी का ज्यादा बिल आता है उसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे और वो कैश मुझे दे दे, इसमें उस आदमी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको उस पैसे का 2% तो बच ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा ट्रिक कैसा लगा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको नए आइडिया और नए ट्रिक बताते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।